हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 18th of April 2023 और डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का आज के क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ने से पहले फिर से बोल देना चाहता हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में जो है लिंक दिया हुआ है, इसका डायरेक्टली आप जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पीडीएफ को। सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं, आसाम ट्रिब्यून से लिया गया रिगार्डिंग राइनो पोचिंग एफर्ट्स। देखो आपको पता होना चाहिए दैट राइनोसरस जो है आसाम में बहुत ज़्यादा मिलता है, जो क्या स्पेसिफिकली काजीरंगा पवित्रा में बहुत ज़्यादा है, राइट। नंबर्स वाइज में देखोगे काजीरंगा में सबसे ज़्यादा है, बट डेंसिटी अगर देखोगे पवित्रा में बहुत ज़्यादा है, राइट। बट अच्छा, अब न्यूज़ में क्या, कार्बन राइनो पोचिंग एफर्ट्स, मतलब सीएम ने बोला है दैट काजीरंगा नेशनल पार्क में हम लोग फॉरेस्ट बटालियन और फॉरेस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। नाउ ये काम क्या करेंगे, ये जो है ना राइनोसोरस को जो पोच अभी भी बहुत हद तक, वैसे तो बहुत हद तक रोक दिया गया, राइट, बट जो भी चीज़ें हो भी रही है या फिर फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स में अगर हो सकती है वो जिससे ना हो, इसलिए फॉरेस्ट बटालियंस एंड फॉरेस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, है ना। और इसमें एक फॉरेस्ट बटालियन और बहुत सारे फॉरेस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में, कब, May 10th को, राइट। और इससे जो है इस एफर्ट को एक नया ही दिशा मिलने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूज़ था ये द हिंदू का, एंड ये इट वॉज ऑफकोर्स अ मैटर वेरी प्राउड फॉर होल आसाम, बिकॉज यस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को इस बार अवार्ड किया गया था बिहू डांस परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि बिहू डांस जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों ने किया था, राइट। इनफैक्ट लास्ट में अगर देख लीजिएगा पिछला जो रिकॉर्ड था वो था 500, राइट, और अभी तो खैर आपको पता ही है। तो बिहू के बारे में अगर बात करें तो ये एक एक्सट्रीमली जॉयफुल डांस है आसाम का, और यस यहाँ पर जो है ना बहुत ही फास्ट पेस और ब्रिस्क फुटस्टेप्स में आप लोग देखेंगे लड़कियाँ जो है डांस करती है, राइट। अच्छा, इसके अब बिहू जो है ना सेलिब्रेट किया जाएगा, 3 एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स आती है आसाम में जिसमें बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, और बिहू में भी 3 टाइप के बिहू होता है। एक होता है रोंगाली या फिर बोहाग बिहू जो कि अभी हम लोग सेलिब्रेट किए थे, एक था माघ बिहू जो कि या फिर बोगाली बिहू जो कि जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता था, और एक अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कोगाली या फिर काटी बिहू, राइट। ना ये बिहू सिम्बलाइज क्या करता है, बिहू सिम्बलाइज करता है फर्टिलिटी और लव को, यह सेलिब्रेट करता है अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड देन द रेन नीडेड फॉर द क्रॉप ग्रोथ। इसीलिए जो यहाँ पर है ना, मतलब काइंड ऑफ इंस्पाइट ऑफ बीइंग द फैक्ट दैट कोई भी रीजन में कितना भी अर्बनाइजेशन क्यों ना हो, यह एक साइन है आसामीज कल्चरल आइडेंटिटी का। इनफैक्ट बिहू के बारे में बोला जाता है दैट इसका अर्लीस्ट डिपिक्शन जो है आपको 9th सेंचुरी तेजपुर और दरांग रीजन से भी बहुत हद तक मिलता है, राइट। 9th सेंचुरी से, मतलब इनके जो रेफरेंसेस है ना वो 14th सेंचुरी में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में पाए गए थे जो क्या तेजपुर एंड दरांग रीजन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, गोंड पेंटिंग के रिलेटेड हम लोग इस वाले आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। गोंड पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है और इस पेंटिंग को GI टैग भी अवॉर्ड किया गया है। तो गोंड पेंटिंग, गोंड ट्राइब्स जो है ऑफकोर्स ये फोक ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश के, तो जी हाँ उन्हीं फोक ट्राइब्स के द्वारा ये फोक आर्ट प्रो किया जाता है जिसको कहा जाता है गोंड पेंटिंग, जो क्या मध्य प्रदेश के गोंड ट्राइबल पीपल के द्वारा किया जाता है। आप देख पा रहे हो दिस इज़ अ वेरी खूबसूरत गोंड पेंटिंग जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, राइट। ना बोला जा रहा है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट वर्क ऑफ द गोंड ट्राइबल कम्युनिटी, जो क्या किया जाता है टू प्रिजर्व रिमेंबर एंड कम्युनिकेट द रिच कल्चरल हेरिटेज, राइट। इनफैक्ट प्रेजेंट डे जो गोंड पेंटिंग है ना ये इवॉल्व पता है किस टाइप के पेंटिंग से हुआ था, दिग्ना और भित्ति चित्रा पेंटिंग से हुआ था। तो सवाल होता है दैट इन गोंड पेंटिंग में किस टाइप के मटेरियल्स इस्तेमाल किया जाता है भाई, जैसा कि आप देख रहे हो, देखो इसमें जो है ना हैंडमेड पेपर कैनवास नेचुरल और सिंथेटिक कलर्स का इस्तेमाल करके इस पेंटिंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके में सजाया जाता है, राइट। तो सवाल होता है इस पेंटिंग के कोई थीम्स होते हैं क्या स्पेसिफिक, देखो जी हाँ थीम्स होते हैं जैसे लोकल फ्लोरा एंड फौना डीटीज अर्बन कल्चर राइट डेली लाइफ ये सब उसके थीम्स है। इनफैक्ट ये जो पेंटिंग्स है ना ये ज्योमेट्रिकली ड्रॉ किया जाता है ऑन द वॉल्स ऑफ द हट, हट मतलब झोपड़ी हुआ, राइट। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स पोर्ट्रेट किनका, लॉर्ड कृष्णा का, राइट। इनफैक्ट इट हैज मेनली डन इन
पतंगड़ विलेज इन द दिंदोली डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो दिंदोली डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है पतंगड़ विलेज। वहाँ पर ये मेनली प्रैक्टिस किया जाता है। इनफैक्ट गोंड ट्राइब इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। तो सवाल होता है इसका नाम कहाँ से मिला। देखो ये जो गोंड ट्राइब है ना, ये आया है खोंड से। खोंड का मतलब क्या होता है, ग्रीन माउंटेन, ठीक है। एंड इनका जो ट्राइबल कम्युनिटी का है, इनका मेन ऑक्यूपेशन पता है क्या है, एग्रीकल्चर या फिर डेली वेजेस, समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव और एनिमल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट ऑन वन हेल्थ। क्यों ये न्यूज़ में था, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने लॉन्च किया है एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड बैंक फंडेड एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। तो सवाल होता है इनका एम क्या है भैया। देखो इनका एम यही है दैट इंडिया का जो प्रिपेयरनेस है ना, और रिस्पॉन्स जो है टू द पोटेंशियल एनिमल पैंडेमिक, देना नॉर्मल मतलब इंसान वाला पैंडेमिक भी होता है, बट यहाँ पे एनिमल पैंडेमिक, क्योंकि देखो हेडिंग में पता हो ना क्या है, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव या फिर एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। तो यहाँ पे एनिमल पैंडेमिक को मेन फोकस किया गया, इसीलिए बोला जा रहा है ना दैट इसका जो एम है वो इंडिया का प्रिपेयरनेस को इन्हांस करना है इन रिस्पॉन्स टू द पोटेंशियल एनिमल पैंडेमिक इन लाइन विथ वन हेल्थ अप्रोच, राइट। और एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स अगर एम देख लेते हैं, इसका यही है इंडिया का प्रिपेयरनेस इन रिस्पॉन्स टू पोटेंशियल एनिमल पैंडेमिक। इसके की पिलर्स क्या है, टारगेटेड R&D करना, स्ट्रेंथन करना रेगुलेटरी सिस्टम को, डिजीज द मॉडलिंग एल्गोरिदम एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंश्योर करना, इंटीग्रेट डिजीज सर्विलांस और मॉनिटरिंग सिस्टम को और भी ज़्यादा पुख्ता बनाना। वही उसी के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दैट इज AHSSOH का क्या एम है, इसका एम है दैट एक इकोसिस्टम करना जिससे बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट हो सके अंडर द वन हेल्थ अप्रोच। इसके की पिलर्स क्या है, इसके की पिलर्स हैं स्ट्रेंथन करना डिस्ट्रिक्ट के लेबोरेटरीज को, प्रोवाइड करना मोबाइल वेटरनरी यूनिट को रिमोट एरियाज में, और अपग्रेड करना डिस्पेंसरी इन हॉस्पिटल्स को, ट्रेन करना वेटरियंस और प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स को। इनिशियली वैसे अगर देख लीजिएगा ये 5 स्टेट्स को इन्होंने कवर किया था, जिसमें आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो अब जितने भी सारे हम लोगों ने आर्टिकल्स डिस्कस किए उसके बेस पे एक MCQ आपको पूछा जाएगा। बट कल हम लोगों ने MCQ एक पूछा था जो कि आपको पता होना चाहिए, द डब्बा ट्रेडिंग ऑफन सीन इन न्यूज़, इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। सो द करेक्ट ऑप्शन वॉज स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है, डी ऑप्शन वॉज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोंड पेंटिंग, इट इज़ अ पॉपुलर फोक आर्ट इन द गोंड ट्राइब ऑफ द गोंड ट्राइब इन मध्य प्रदेश। एंड दूसरा है मटेरियल यूज इन दिस पेंटिंग्स आर हैंडमेड पेपर, कैनवास, नेचुरल एंड सिंथेटिक कलर्स। आपको पूछना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू या फिर नीदर वन नॉट टू। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स को लिखिएगा, विल बी चेकिंग फॉर योर आंसर एंड ऑफ कोर्स आई बी वेटिंग पर्सनली फॉर योर आंसर टू कम अप। एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज़ क्लास गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।